तन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जाइए अब तुम गुनगुनाओ, याद है? हाँ पापा। बस पहुंच रहा हूं पिंकी, मैं तेरे लिए गुड़िया भी लेकर आया हूं और सनी के लिए गिटार भी। सब कुछ क्या, कौन आया था यहां में? घबराओ नहीं कादर, अभी ये जिंदा है। इसकी और तुम्हारे बच्चों की मौत दायरा की सूरत में तुम्हारे सामने मौजूद है। दायरा एलेक्स, मुझे देखकर कुछ याद आया कादर? देखो ड्राइवर, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, इस वक्त पुलिस मेरा पीछा कर रही है, गाड़ी चलाओ। सॉरी, मुझे अभी सिग्नल नहीं मिला। सिग्नल मिलने का इंतजार करोगे तो इससे पहले तुम्हें मौत मिल जाएगी। मैं कहता हूं गाड़ी चलाओ। एक मौत कबूल है, सिग्नल से पहले ट्रेन चलाकर बहुत सी मौतें मंजूर नहीं। ओ,
किस्मत थे कादर कि हम तुम्हें भूल गए, और मुमकिन है कि भूले ही रहते अगर हमें यह पता न चलता कि कल सुबह जिस ट्रेन में पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका का सोना जा रहा है, इत्तेफाक से उसके ड्राइवर तुम खुद हो कादर। क्या मतलब? कल ट्रेन अपनी मंजिल पर नहीं जाएगी, तुम ट्रैक बदल दोगे। ट्रेन वहां जाएगी जहां हमारी मंजिल होगी, जहां हम सोना आसानी से लूट सकेंगे। मैं मुसलमान हूं, पाकिस्तानी हूं। मेरी वफादारी देखकर इस हुकूमत ने मुझे ये फर्ज सौंपा है। तुम्हारा साथ देकर ना मैं अपने मजहब को निशाना बनने दूंगा और ना अपने वतन पे उंगली उठने दूंगा। तारा, इकरार करोगे? मजहब और तुम्हारे वतन को सिर्फ बदनामी मिलेगी। इंकार करोगे तो हम तुम्हें वो कुछ दे सकेंगे जो ना तुम समेट सकोगे और ना देख सकोगे। पहले हम तुम्हारी बीवी के बदन से कपड़े नोच कर तुम्हारे हवाले करेंगे, और फिर इसके बदन को नोच कर तुम्हारी बाहों में फेंक देंगे। फिर भी तुम्हारा इंकार इकरार में न बदला तो पहले एक बच्चा मरेगा। फिर दूसरा। और फिर बच्चों की मां। और फिर तुम। मरना कबूल है, जीकर गद्दार बनना कबूल नहीं। एलेक्स, अपना काम शुरू करो। आगे मत बढ़ना कुत्ते। अगर किसी ने हरकत की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। चलो सनी, फिर की मां को खोलो। खमदान, सलमा, तुम बच्चों को लेकर बाहर जाओ। इस दरवाजे को तोड़ दो। अगर वो बचकर निकल गया और पुलिस तक पहुंच गया तो हमारे लिए अजाब बन जाएगा। तोड़ो इसे, तोड़ो। यामीन, तुम उधर जाओ। एलेक्स, तुम मेरे साथ आओ। सलमा, तुम ऐसा करो, बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन जाओ, मैं उन्हें रोकता हूं। नहीं नहीं सरदार। जाओ। Thank you.
कहा। मान जाओ कादिर। लाशों को उठाकर समुंदर में फेंक दो। अगर ये हमारा कहना मान लेता तो यूं कुत्ते की मौत न मरता। फेंक दो। फेंक दो। ये तो भी जिंदा है। फेंक दो, मर जाएगी। समुंदर चो लिया इस काके नूं मच्छियां फड़न गए सां। कुंडी समुंदर च सुटी आ, कुंडी हिली आ। मैं समझिया खगा फस गया। बाहर कढ़िया तो विचों काका निकल आया। यस यस। ओ की यस लाई हुई आ, सानू ए दस काका बचिया के नहीं। यस यस। फिर यस यस करी जान दिया, उत्तों साडा दिमाग नहीं चलन दिया। गुरु जाने इस मासूम जान नाल की जुल्म होया, खरे इहदा कोई अंग साग बचिया के नहीं। होली क्राइस्ट, मालूम नहीं इस बेबी को किस सालिब ने मारने का कोशिश किया है। इधर तेरे घर में रानी इसको उठाकर लाया है, वो माँ है, इसलिए वो तेरे घर के बाहर इस इंतजार में खड़ा है कि हम उसको इस बेबी के जिंदा बचने की खुशखबरी सुना दें। क्राइस्ट, उसे तुम्हारा घर से ये खुशखबरी मिलना चाहिए, इस बेबी को जिंदा रहना चाहिए। अब कोई नहीं है मेरा, सबको मार दिया उन्होंने, मम्मी को भी, मेरे पापा को भी, पिंकी को भी। रानी, तुम्हारा बेबी बच गया है। ये बच्ची कहाँ से आई है मदर? इसके गले में पड़े लॉकेट से मालूम हुआ कि ये मुस्लिम है। इसने हमको बताया कि इसके माँ बाप को किसी ने मार दिया है, इसको तुम्हारा रानी उठा कर लाया। अब इसको हम और तुम ही पालेगा। शाबाश। इसका नाम हमने बेला रखा है। आ मेरा बेटा। इसका हमारे और तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं।
पर झूमे, दोनों मिलकर घूमे, कदम कदम कर झूमे। ये जंगल जहाँ तक है, मेरा राज वहाँ तक है। तोता बंदर हाथी सारे मेरे साथी। जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, उनकी धुंधली धुंधली सी यादें आज भी जिंदा है मेरी आंखों में। अपने बेगुनाह पापा और मम्मी के खून के थप्पे मैं नहीं भूल सकी क्राइस्ट, जो आज भी अपने इन हाथों में लगे महसूस करती हूँ। ये हाथ अपने पापा और मम्मी के खून का इंतकाम लेना चाहते हैं, लेकिन सामने अंधेरा ही अंधेरा है। इंतकाम लो तो किससे, सिवाय संजीव के कातिलों की सूरत याद नहीं मुझे। तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी परेशान नहीं होएगा, हाँ? लिसन बेला, इस दुनिया में हिसाब का एक दिन मुकर्रर है। अगर तुम्हारा किसी पर कोई उधार है तो वो इसी दुनिया में खत्म होएगा, और तुम्हारा मुजरिम किसी ना किसी तरह जरूर सजा पाएगा। और अगर तुम्हारा भाई जिंदा है तो वो एक ना एक दिन तुमसे जरूर आन मिलेगा। आ,
पुलिस इंस्पेक्टर होके चोरा डाकुआ समगलरा ते असला मुकाउंदा थकदा नहीं, ये घर आके ना बेजबाना नू फड़काउणा शुरू कर देना। चाचा मैं कानून दी वर्दी असली पाई है कि अपने मम्मी डैडी और भैन दे कातलां नू आसानी नाल लभ सका, और इन्हां ते रोज गोलियां आके असली चलाना वा कि मैनू अपना इंतकाम याद रवे। भी वरे हो गया तेरे इंतकाम दे शोले बुझाउंदिया, खरे तेरा भांबड़ कदों बुझू? सर योर फोन। ए मुंडा तां जवान होके आइटम बम भी हुंदा जा रहा है, मैं ते डरदा इनू हाथ नहीं लाउंदा किधरे हाथ च पार्ट ही न जाए। हेलो इंस्पेक्टर सानी, योर इन्फॉर्मर ऑन द लाइन सर, आज रेड 20 से 10 किलोमीटर दूर स्मगलर्स की लॉन्चेस माल उतार रही हैं, ठीक 10 बजे। 10 बजे? हेलो, देखिए फोन बंद ना कीजिएगा, मैं आपसे हेलो। वेखी किधरे जज्बात च टेलीफोन ना चप जाए, वो तू टेलीफोन से एडा जज्बाती क्यों हो जाना सौरी दया? उसी लड़की का फोन सी चाचा। ओ हुई? हाँ, आज फिर इंफॉर्मेशन दे के टेलीफोन बंद कर देता है। मैं उन मिलना चाहना, पता नहीं कौन लड़की है। मीनू पता है। कौन है? वो एक लड़की है। ओ चाचा, ये तो मुझे भी पता है। वैसे उस लड़की ने आज तक जिन्हें भी इंफॉर्मेशन दी है ना, मैं उसे कामयाब छापे मारे ने। किधर थे? कुड़ी थे? ओ नहीं चाचा, और वैसे भी मेरी पर्दी थे जिन्हें फूल लगे ने, उस लड़की का बड़ा हाथ है। ऐसे करके तू हाथ फड़ना चाहना, मैं वो हाथ भी फड़ा दू, मैं सबूती कुड़ी तेन लै दू। वो गल सुन, हुण दी जिथे दी उन्हें इतलाह दी है उत्थे जाओ ते छापा मारो। टेलीफोन वाली, मैं आज आप वेख ले गया। हेलो, गल कर, मैं हुने आउना हुने। हेलो हेलो सनी, देखिए मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे ना मिली तो मैं आपकी कोई कॉल रिसीव नहीं करूंगा। अब आप मुझे बताएं कि आप मुझे कहां मिलेंगे? गोल्डन डिस्को के स्टेज पर।
गोल्डन डिस्को। Thank you.
मैं हूं तुम्हारी इन्फॉर्मर, रोजी नाम है मेरा। कम दिस वे। थैंक यू वेटर। क्या पियोगे? कुछ नहीं। कुछ तो। यस। टू फ्रेश लाइम। ओके। कुछ पूछने के लिए बेचैन हो? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप। आप नहीं, तुम। हाँ, क्या पूछना चाहते हो? यही कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? ये अच्छा नहीं कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे मुतालिक तो तुम जानती ही हो। सिर्फ इतना कि तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो। इसके अलावा क्या जानना चाहती हो? तुम्हारी प्राइवेट लाइफ की रंगीनियां। मेरी प्राइवेट लाइफ का एक ही रंग है रोजी, लाल रंग, खून जैसा। मैं समझी नहीं। मैं बहुत छोटा था रोजी जब कुछ लोगों ने मेरी फैमिली को मार डाला। उनके बहते हुए खून की लाली मुझे कभी नहीं भूली। उन कातिलों और उन जैसे जालिमों की सजा बनने के लिए ही मैंने ये वर्दी पहनी है। जब मैं ये वर्दी पहनता हूं तो कानून के मुजरिमों को ढूंढता हूं, और जब ये वर्दी उतारता हूं तो अपने मां बाप और बहन के कातिलों को तलाश करता हूं। मेरी सेठ, इसका मतलब है तुम अब अकेले हो? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। और रह गया भाई, किसे सच आखिया, पराई औलाद पराई हुंदी आ। इनू पावे लख सीने ना लाओ, आप जमीन ते सारी सारी रात जागो, इनू मंजे ते सुआओ, पर ए जवान होके हुई कहंदी आ कि मैं इस दुनिया च कल्ला वां, मेरा इस दुनिया च कोई नहीं हैगा। ओ चाचा, चाचा मेरी गल ते सुन। ओए ना कहो मैनू चाचा, तेरी गल सुन के सीना पाट गया साडा। काकू राणीए, समझा छड़े इस बेवफा नू, ए अपने आप नू कला कहना छड़ दे, तई तां सौ गुरां दी असी इहदे कोल रुस जाणा, ते जे असी रुस गए ते असां मर भी जाणा, मर जाणा असां। चुप कर चाचा, ना रो। तां फिर मेरे इस केस ते हथ रख के सौ खा होए कि हुण तू अपने आप नू कला नहीं कवेगा, अपने स्टोरी वर्गे बूथे ते मुस्कुराहट लिया के जीवेगा, काकू राणी नाल प्यार करेगा, ते अपने दुश्मनां नू लभेगा। मैनू तेरी सौं चाचा। मेरे केस दी सौं खा। मैनू तेरे केस दी सौं चाचा, जो तू आखेगा मैं ओही करांगा। और रह गया, ले फिर सीने नाल लग जा ठा करके। 20 रुपए, 30 रुपए, 60 रुपए। मेरी करंसी, मेरा कर्जा आज नहीं बचेगा मेथों। हट जा। ओके। कहाँ छुपू? आज चाचे किरपान ने मुझे नहीं छोड़ा। ओ आगे किरपान। ओए, ओए, किथे मर गया? आज सौरी दा मेरे को बच के नहीं जाएगा। किथे हैगा? किथे? ओए, लाए बच्चू आज मैं तेरे मगर आ। हुण मेथों बच के भा। मैनू पजा के मैनू तेरे लुआ दी जा। ओए बैरा, एक लैमिनेट लेके आ, छेती आ। अज मैं अपना कर्जा पूरे दा पूरा आए दे कुलो वसूल करके रहूंगा। ले आया। थैंक यू। अज ये सॉरी देनू मैं लभ के रहूंगा। ए जिथे किते भी होया इहदे कुलो मैं। ओए, ओ तेनू आखिया एक लैमिनेट लेके आ, इथे लेके आ, इथे टेबल ते लिया के। ओए
खून पावे गाड़ी मारते पावे मार के छाड़ी खून ते थो रकम वसूल करके रहांगा काटम मेरी करंसी दो जना दे उधार ते लिती सी ते दो फड़े हो गए किन्नी करंसी है चाचा तेरी पूरा 3000 रुपया 3 लाख भी होवे ते तेरी करमंसी अमानत मेरे खीसे च अच्छा ते मेरा खीसा एक ईमानदार ते मजबूत बैंक है और रहण दे बैंक मेनू नहीं चाहिदा की पता कल नू ए बैंक लुटिया जावे मैं कहना कट मेरी रकम इंस्पेक्टर साहब मेरी जमानत करवाओ और चाचा से मुझे छुड़ाओ भाई मैं तुम्हारी जमानत दे देकर इनके सामने जलील हो चुका हूँ नाले बल्लो हुण मैं किसी दी जमानत मननी भी नहीं हूँ ओए गल सुनो ए मेरी रकम कट दे नहीं तो आज मैं तेनू कृपाना मार मार के तेरी जान कट के तेरी तली ते रख देऊंगा कृपाना मार मार के हाँ समझे चाचा जी तुहाडे कोल ते कृपान है ही नहीं कृपान मारोगे किथे बल्लू मैं कृपान गड्डी च लुको के रखी दी आ गड्डी लुको के हाँ तो फिर मैं कृपान लेके आना गड्डी दी चाबी दो है चलाक बनता मैं एडा बेवकूफ नहीं तेनू कृपान लैण कला तू भज जावे मुड़ के आवे ना बल्लू मैं आप कृपान लैण जाऊंगा आप लेके आऊंगा तू इथे खड़ो मेरे मौला ये कौम किन्नी मासूम है इंस्पेक्टर साहब ये मेरा चालान पकड़िए और अपने पल्ले से इसका जुर्माना भर के मेरा लाइसेंस मुझे वापस दिलवा दीजिए यार ये तुम बार बार मुझे किस प्रॉब्लम में डाल देते हो एक पाकिस्तानी भाई दूसरे पाकिस्तानी भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा अच्छा थैंक यू अच्छा मैं चलता हूँ वो टूरिस्ट मेरा इंतजार कर रहे होंगे अभी मैंने तैयारी भी कर ली है कल सुबह उनको सिकरी के जंगलों में लेके जाना है चाचा I had a beautiful location, beautiful jungle, and look, beautiful donkey. Look, elephant race. My heart can't be torn. Bye-bye.
काम किया है अलवेला, और जो तुम्हारा साबू है ना चूहे का बच्चा, उसने भी कमाल ही कर दिया है। देखो भागा है तुम्हें लेके। अगर तुमने मेरे साबू को कुछ कहा तो फिर तुम अपनी जान बचाते फिरोगे पूरे जंगल में, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी। अरे क्या करना है उसने, मेरा क्या बिगाड़ लेना है उसना। मैं उस चूहे के बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ, अगर वो चूहों की फैमिली में से है तो मैं भी बागड़ बिल्ला हूँ। ठीक है तो फिर अपनी जान खुद ही बचाना। अरे क्या बचाना है, क्या करना है उसने मेरा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा लिहाज करता हूँ, वरना वो लूम्बर का बच्चा कभी मेरे सामने आए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जान बच्ची सो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर वापस आए। तुम यहाँ भी आ गए, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो भाई, मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हो। तुम्हें कोई नगद पैसे चाहिए तो नगद पैसे दे दूंगा, तुम्हें गन्ने चुपा दूंगा, और चुप हो मेरे भाई और तुम्हें मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ भी आ गए और मुंह तो बंद करो चट्टू बट्टे, मुझे डर लग रहा है। तो ये टोपी मैं तुम्हें देता हूँ, इसको उदेड़ के इसकी निकर बना लेना। अब तो ठीक है, लो चलो मुकाओ गल, चलो आधे गल मुका दो, चलो। सोचता हूँ ये हाथी का बच्चा मुझसे चाहता क्या। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आए, 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 आए। अबे तू यहाँ क्या लेने गया, अब मुझे माफ कर दे। मैं चूतों की फौज लेकर आऊंगा, तुझे अंदर करवाऊंगा, तुझे तीन थोड़ों में अंदर करवाऊंगा साले। This place is known as Elephant Bath. They are picking a bath. Can you see that small little cute elephant? That one. You enjoy yourself. I'll be back in a minute. Okay? Okay. Okay. Excuse me. Oh. Mato, छोड़ो, छोड़ो. बेला, अरे ओ बेला, अरे इधर आ, मैं खड़ा हूँ अकेला। आया बेला, आया बेला, हेल्प मी प्लीज। जिम्मी, ये क्या, तुम्हारे कपड़े किधर है? वो तुम्हारा साबू है ना, वो उतार के ले गया। कमबख्त का बच्चा कहने लगा मैं डबल रेट पर धोबी से अभी तुलवा कर लाता हूँ। मैंने तुमको बोला था ना उससे मजाक नहीं करो, अब आया मजाक। अबे खुदा के लिए उसे बुलाओ, मुझे कहो मजाक छोड़े, मेरे कपड़े मुझे दे दे, वो टूरिस्ट लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अभी बुलाती हूँ, अभी बुलाती हूँ। साबू बेटा, बेटा बेटा कर रही हूँ। अबे साबू को मत बुलाना, वो आ गया तो मेरा ये मॉडर्न लिबास भी उतार देगा। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी आना, कहाँ है आए, मैं कहाँ फंस गया। बाहर बल्ला की सर्दी है, अंदर है बरसात, बल्ला की सर्दी है। की गल है ये लो जिम्मी। आजा, कम ऑन, आजा, जल्दी जल्दी। देख लो तुम्हारे साबू को भी मैं, मैंने उसकी सून पर ये नारियल ना मारा तो मेरा नाम भी जिम्मी नहीं। ठीक है, अभी बुलाती हूँ साबू। जल्दी जल्दी, बुलाओ ना उसे, आपको मेरा क्या कर सकता है, बुलाओ साबू को। ठीक है, अभी बुलाती हूँ। अरे अब चलो चलो चलो, अबे ओ मरुंडे,
और क्या पूजी श्री वर्गा मुंह है तेरा, ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? बेला 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 अब क्या है बेला, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कहीं तुम्हारे साबू ने इसकी तार तो नहीं निकाली? तो मैं क्या करूं? अबे बुला साबू को, गाड़ी को धक्का लगाए। पहले मेरे पैसे दो। हाय हाय, तो तुम्हारे पैसे तो मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, लो पकड़ो, लो अब बुलाओ साबू को। चलो साबू तालो 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 आलू 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 बंद करो। महिदा महिदा जल्दी आओ, आओ तलो, धक्का लगाओ जोर से, हाँ जोर से, हाँ जोर से और जोर लगाओ साबू, जोर लगाओ, हाँ ठीक है जोर से। शाबाश, देखो साबू तुम जिमी को क्यों सताते हो? अगर वो यहाँ टूरिस्ट लोगों को लेकर नहीं आए तो हमें पैसे किधर से मिलेंगे, कहाँ से खाएंगे हम? अगर वो इस बार यहाँ आए तो तुम उससे सुलह कर लेना, ठीक है? शाबाश। सरदार किनू आख्या भाई? अनु जी और एडिया की गल है? ए मैं तोड़ा श्रीलंका देखना चाहना। श्रीलंका? श्री तो भावे आ वेखला ते एक्सक्यूजमिश, लंका नु मैं नौकरियों जवाब देता है, सऊदी च पैसे टुकन लग पिया सी। ओ मैं कोलंबो वाले श्रीलंका दी गल कर रहा वा। ओ तो भाई वेखदा फिर, तू कोई काका है? मैं कुछ चुके बखाना जा जाके वेख। ओ तुसी समझे नहीं, मैं कोई गाइड चाहिए चाहना वा। ओ गाइड? हाँ कर जा, मेरा दिमाग चल गया, आया मेरे मगर मगर। ये जेड़ा होटल है ना, ये निके हुंदे मैं अपनी रकम नाल आप बनाया, हुण चारे पासे फिर घूम के आप शीशियां दे कपड़ा मारना, पैसे हुण मैं इत्थों दा मैनेजर हो गया। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कर्जा वसूल करूंगा तो फिर तेनू तेरा गाग देऊंगा। सरदार जी तुहानू किनी मारी के आख्या है कि तुहाडा कर्जा समझ लो कि तुहाडा बैंक दे विच पिया है, तुसीं कर्जा क्यों मंगदे हो? कोई जान मंगो, कलेजा मंगो, दिल मंगो, अख मंगो। पुरजे मैनू नहीं चाहिए, अज पहला कर्जा वसूल करूंगा, नहीं तो कृपाना मार मार के मैं तेनू बिंड देऊंगा। कृपाना? कृपान ते अज भी तुहाडे कोल कोई नहीं, तलाशी ले लो कि थो मारोगे किस तरह मिल करोगे, पहले कारों जाके अपना कृपान ते लेके आओ। ले मैं कृपान लेके आया। ठीक है। क्यों है बल्लू? आज मैं तेरे चक्कर च नहीं आऊंगा, आज मैं आप इतने खड़ूंगा, तू जाएगा तब मेरी कृपाण लेके आएगा। हाँ गल बनी है ना, चलो ये भी करके देख लेने। चल टूरिस्ट
मेरे नाल चल, सरदार जी का कृपान इन्होंने घरों लेके आई। बजाई जाई बज गया ते छेती वापस आई। कोई ना, अज जी कृपान लेके आऊगा, पहला मैं दी लात वडूंगा, फिर कृपान मैं अपने हाथ लेके इन्हे कन वडूंगा। देख रही हो मदर, तुम जब भी ये धुन गुनगुनाता है हमें तुम्हारी भोली भाली सूरत पर बहुत प्यार आता है, तुम बिल्कुल एक गुड़िया लगता है। ये धुन सनी बहुत अच्छी बजाता था मदर। की एक ही याद बाकी रह गई है, या फिर वो जंजीर जो उस कातिल के हाथ में थी जिसने मेरे मां बाप और पिंकी को मार डाला। पिंकी कौन थी? मेरी बहन। बहुत प्यार करती थी तुम्हें? प्यार से ज्यादा प्यार करती, काश वो जिंदा होती। Ladies and gentlemen, she's Bella. Bella, Bella. Our guide called it to jungle girl. Yeah. ये आपको उन उन खुडों में ले जाएगी जिन खुडों में आज तक कोई चूहा नहीं गया। वेरी गुड जंगल एलिफेंट बात, कम ऑन कम ऑन। बस अब मुझे कुछ कहने दो, यू ऑल हैव गो टू जंगल, कम ऑन कम ऑन। फॉलो मी फॉलो मी। अब मेरी अंग्रेजी मुक गई है। मुझ पर क्यों गिर रही हो जंगली भूल? आज तुम उनके साथ जंगल नहीं गए? उनके साथ जंगल नहीं गए? मैं वहां उनके साथ नहीं जा सकता, वहां चला गया तो वहां खतरा है, अगर मैं वहां चला गया तो मेरे हाथ से जाया हो जाएगा तुम्हारी वो लंबी नाक वाला। अच्छा ठीक है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। ठीक है, अरे बुला लो, क्या कर लेगा वो? वो सिर्फ जंगल का शेर है, पानी का लुतुर है, शहर का लूम्बड़ है और रेगिस्तान का गीदड़ है, क्या है वो? अच्छा हाँ, अगर वो इधर आ गया तो मैं उसकी नाक काट डालूंगा आरी से। ठीक है, तो तुम फिर होशियार रहना,
अरे मैं होशियार हूँ, आगे वो। अरे मैं उसे को डरता हूँ, मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक यलगार हूँ, एक दुनी दुनी, दो दुनी चार हूँ। हाँ, मेरे पेट में चूहू ने क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया। वेयर इज माई लंच? नो दे माई स्वीट हार्ट। जंगल में मंगल मनाओ मेरे यारो, जंगल में मंगल मनाओ। आओ के गुलशन का कारोबार चले, एक दुनी दुनी दो दुनी चार चले। और भाई साहब किया ला किया ला, भिंडी तोरी ला, टमाटर लाग लाग इन्नार बल्लू है, गंडेरी ला ठंडे ठार जे बाजे। तीनों ने सर जे आ मेरे जंगल आए। मेरे कट पीस किधर गए? मेरे सैंडविचेस कहाँ गए? कौन खा गया ये? है कहाँ है? अच्छा तू खा गए हैं। आ मर गया, आ जा ला जा मर गया। अबे ओ चपर घूसट, तू कहाँ से मुझे दूरबीन लगा कर देखता रहता है? मेरा लंच तो तू खा गया है, अब क्या रक्षे का किराया भी दे दू? अबे जा। ऐ सुन वाली सरकार, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे माफ कर दो, मेरे बाप मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हूँ। लो ये टोपी पकड़ो, और ये कपड़े भी मैं तुम्हें उतार के देता हूँ, इसे लंदन के बाजार में बेच देना पागल दे पुत्र। हुई मोतियां दी बरसात ते भिज गए वालोए। कम अलोंग, फॉलो मी, एट लास्ट वी हैव रीच्ड हियर। This is very old temple. It has many golden idols. The locals here worship them. Puja, worship. Why don't you go inside and see for yourself? Please go. I'll be waiting for you over here. Please go. क्या खूबसूरत मंजर है और क्या पटाखा लड़की है। अगर ये फंस जाए तो मजा ही आ जाए। क्या बोला तुम? डू यू स्पीक उर्दू? तुम उर्दू समझ लेती हो? समझ नहीं, बोल भी सकती हूँ। ये जंगल तो बड़ा खूबसूरत है। मुझे क्या बता रहे हो, 15 साल से देख रही हूँ मैं इसको। और यहाँ जंगली जानवर भी होंगे। हाँ, तुमको देखने हैं? हाँ? आओ मेरे साथ आओ। ये साबू है, साबू ये हमारे मेहमान है, इनको सलाम करो। अब तुम सैर करो। हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद बस पे आ जाना, ठीक है? ठीक है। आओ साबू। Shut the door. पार्ल बोबो के दिमाग चलो। ओके चलो। गॉड, कहाँ फंस गया?
कहीं आज मैं जंगली जानवरों का शिकार न हो जाऊं। मुझे तुम किसी तरह बस तक पहुंचा दो। बस तो कब की जा चुकी, मैं तो तुम्हारी चीख सुनकर आई हूँ। ओह नो, तुम घबराओ नहीं, आओ मेरे साथ आओ। कौन है बेटी? टूरिस्ट है बाबा, रास्ता भूलकर जंगली जानवरों में फंस गया। ओह गॉड, बहुत जख्मी है बाबा। इसे अंदर हिटा दो। हाँ। मैं दवाई लेकर आता हूँ, जाओ बेला। आ, 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 इधर से। दवाई लेकर आया था रात को। तुम रात से इधर ही बैठी हो? हाँ, बाबा तो कह रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन मैं नहीं सोई। पता है क्यों? क्यों? तुम सोए हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल साबू की तरह। सुनो, तुमने ये जुबान कहाँ से सीखी? माँ से, और माँ के मरने के बाद बाबा से। अच्छा, ये तुम्हारे बाबा कहाँ के रहने वाले? यहीं के हैं, लेकिन उन्हें ये जुबान आती है। उन्होंने मुझे बच्चों की तरह पाला है। अपने बच्चों की तरह? हाँ, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। मेरे मम्मी डैडी को कुछ लोगों ने मार डाला था। मदर के पास मुझे रानी बचा कर लाई थी। रानी कौन? साबू की माँ, वो भी मर गई। तुम क्रिश्चियन हो? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। ये देखो, इस पे अल्लाह लिखा है। मदर ने बताया ये बचपन से मेरे गले में है। वेरी गुड, मैं भी मुसलमान हूँ और पाकिस्तान से ही आया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। जी चाहता है कि तुम्हें प्यार कर लूँ। तो कर लो ना। गुड़िया होती तो जरूर कर लेता। अब क्यों नहीं करते? भाई इसलिए कि तुम गुड़िया नहीं, लड़की हो, जवान हो। अगर मैं तुम्हें प्यार कर लूँ तो क्या होगा? तुम बिल्कुल भोली हो। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी किसी को प्यार किया? हाँ। किसको? साबू को, मदर को, माँ को, बाबा को। मैं इस प्यार की बात नहीं कर रहा। फिर कौन से प्यार की बात कर रहे हो? उस प्यार की
जो आंखों में बसता है और फिर दिल में उतर जाता है। वो प्यार कैसे करते हैं? सीखोगी? हाँ। ये क्या कर रहे हो? ये प्यार का पहला सबक। मेरी आंखों में उस वक्त तक देखती रहो जब तक तुम्हारे दिल में प्यार की चुभन महसूस ना हो। दिल से दिल टकराने दे ओ जानम, दिल से दिल टकराने दे ओ जानम, होश जरा उड़ जाने दे ओ जानम, अरे बंद ना कर हो, अरे बंद ना कर अखियों का दरवाजा, मुझको अंदर आने दे ओ जानम। दिल से दिल टकराने दे ओ प्रीतम, होश जरा उड़ जाने दे ओ प्रीतम, अरे बंद ना कर, अरे बंद ना कर अखियों का दरवाजा, फूलों की बातें को गिरने पे खुद होकर घूम रही है, मस्त हवाएं तेरे बदन को छू कर झूम रही है, ये मौसम का हो, ये मौसम का फिर होगा अंदाजा, सुल्फे भी कर जाने दे ओ जानम। Oh,
तेरे दिल टकराने दे ओ जानम, होश जरा उड़ जाने दे ओ प्रीतम, अरे बंद ना कर हो, अरे बंद ना कर अखियों का दरवाजा, मुझको अंदर आने दे ओ प्रीतम। हेलो इंस्पेक्टर सनी ऑन द लाइन। रोजी स्पीकिंग। ओह हेलो रोजी, हाउ आर यू? सनी आज फ्लाइट नंबर 615 पर एक ताबूत आ रहा है और उसमें एक कैसी लाश मौजूद है जिसकी बॉडी में 10 करोड़ रुपए की हीरोइन भरी है। थैंक यू वेरी मच रोजी। फ्लाइट का क्या नंबर बताया? 615। Yes, sir, all set. Come on. हाँ, मिस्टर गने कामा। Yes, sir. आपने ये करना है कि कैसी जहाज़ चारों तरफ लगा दो यार मिनट चलाएं। Stop it. Open this coffin. Yes, sir. मरने वाले बदनसीब का भाई, ब्लैक ईगल के नाम से मशहूर। जब तक इस डेड बॉडी को चेक करके हम अपनी तसल्ली ना कर लें, आप अंडर अरेस्ट हैं। व्हाई नॉट? एज यू विश। सर, डेड बॉडी में कुछ नहीं है। ठीक है, डेड बॉडी इनके हवाले कर दो। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, मुझे ताबूत के साथ आने वाले ब्लैक ईगल के मुतालिक पूरी रिपोर्ट चाहिए। वो क्या है, उसका माजी क्या है, कौन है और कहां से आया है। माल जब भी आया, जहां भी आया, पकड़ा गया। इसीलिए मैंने जानबूझकर हांगकांग से ये इत्तला भेजी थी कि हिरन बायर आने वाले ताबूत में आ रहा है, और हिरन का असल ताबूत मैंने बाईसी भेज दिया था जिसका सिर्फ मुझे इल्म था। इस बात से यह बात साबित हो गई है कि पुलिस का इंफॉर्मर हमारे ही गैंग का कोई आदमी है। वो जो कोई भी है, ज्यादा देर हमसे छुप नहीं सकता। कैसी हो? I am okay, boss. डिस्को क्लब में ड्यूटी जारी है? Yes, yes, boss. Yes. Any problems? मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं उन्हें देखे हुए। हाँ, मिल सकती हो। कैसे हो बेटा? आप कैसे हैं पापा? मौत नहीं आ रही। नहीं पापा, ऐसा ना कहें। क्यों ना कहूं? मैं मर जाऊंगा तो तुम भी आजाद हो जाओगी। आपने तो भी बहुत जीना है पापा। पापा,
मैं एक दिन आपको यहाँ से ले जाऊंगी पापा। सर, इस शख्स का नाम पहले दारा था। इसकी जराइम पेशा जिंदगी का आगाज छोटे मोटे डाकों से हुआ। अचानक इसका शुमार श्रीलंका के अमीर तीन लोगों में होने लगा। आखिरी बार ये कोलंबो में उस वक्त देखा गया जब इसकी फैक्ट्री के गोदामों में बहुत बड़ी मकदार में हिरन पकड़ी गई। पुलिस इस पर हाथ इसलिए न डाल सकी कि यह कागजात में उस फैक्ट्री का मालिक नहीं था। फिर यह अचानक कोलंबो से गायब हो गया। आज तकरीबन 2 साल के बाद वापस लौटा है। ये तमाम तस्वीरें मैंने इसके होटल पहुंचते पहुंचे ली है। इसका नाम दारा नहीं, ब्लैक ईगल है। स्टॉप इट। मुझे मिल ही गया। ये कानूनी का मुजरिम नहीं, मेरे मम्मी डैडी और पिंकी का भी कातिल है। कानून कौर मेरे इंतकाम को इसी दिन का इंतजार था। अब ये मुझसे बचकर नहीं जा सकता। इस जंगल इसी जगह एक बहुत पुराना चर्च जिसकी निगरान एक नन है। पुलिस से बचने के लिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उस नन की जगह हम ले लें। ये सब किस लिए बॉस? पुलिस बहुत चुपन्ना है यू इडियट। और फिर हमारे दरमियान पुलिस के इंफॉर्मर आ गए, हम किसी वक्त भी पकड़े जा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नए हेडक्वार्टर का इल्म सिर्फ उन लोगों को हो जो हमारे भरोसे के आदमी। हमारा नया हेडक्वार्टर सीग्रिया के इन जंगलात में होगा और हम इन जंगलात में मौजूद इस चर्च में रहेंगे। फिर मेरी आंखों में आ गई है। अच्छा, वो कैसे? देखते ही देखते प्यार हो गया, देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया। मैं गुमसुम सोचता रहा, मैं गुमसुम सोचता रहा, और दिल सिरे से फरार हो गया। देखते ही देखते प्यार हो गया। आज हुआ
मेरा था दिल दीवाना, एक चेहरा याद रहा है, भूल गया है सारा जमाना, रोकते ही रोकते बार हो गया, रोकते ही रोकते बार हो गया, नैनों के तीर का शिकार हो गया, मैं गुमसुम सोचता रहा, मैं गुमसुम सोचता रहा, और दिल सिरे से फरार हो गया, देखते ही देखते प्यार हो गया। हमने चाहा था तुझको समझाना, जेल से गहरी हिम आँखों से दूर ही रह गया दूर जाना, टूटते ही टूटते निसार हो गया, टूटते ही टूटते निसार हो गया, तेरे लिए खुद बेकरार हो गया, मैं गुमसुम सोचता रहा, मैं गुमसुम सोचता रहा, और दिल सीने से फरार हो गया, देखते ही देखते प्यार हो गया, तेरे बिना जीना दुश्वार हो गया, मैं गुमसुम सोचता रहा, मैं गुमसुम सोचता रहा, और दिल सीने से फरार हो गया, देखते ही देखते प्यार हो गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, खाओ ना, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझे बहुत याद आओगी बेला। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं शहर जा रहा हूँ, अब मैं बहुत दिन यहाँ रह नहीं सकता। बेला, बेला रुको तो, बेला, मदर, मदर, बेला, बेला मेरी बात तो सुनो, मदर, बेला, मदर, बेला, आपको कुछ पता भी है? क्या हुआ? सलमान जा रहे हैं। तो इसमें रोने का क्या बात है? मुझे इससे प्यार हो गया है। प्यार? हाँ, खुद इसने सिखाया और अब मुझे छोड़ के वापस जा रहे हैं। इसे रोकिए ना मदर, आइए ना। सलमान बेटा, मदर ये बेवकूफ समझती नहीं, मेरा सारा सामान होटल में पड़ा है और बिजनेस के सिलसिले में मुझे कुछ लोगों से भी मिलना है। देखिए मदर, मुझे बेला अच्छी लगती है और मैं इससे शादी करूंगा। हाँ, शादी तो ठीक है, अभी कर लेते हैं। अरे इतना नहीं, हम बड़ी धूमधाम से करेंगे शादी। बेला, सलमान ठीक कहता है, तुम्हारा शादी हम बहुत धूमधाम से करेंगे। अगर ये नहीं आया तो? मैं जरूर आऊंगा बेला, जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। पक्का वाला? हेलो, सनी स्पीकिंग। ओ रोजी, तुम कहाँ हो? मैं थक गया हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। क्लब आ जाओ ना। ओ देखो,
किसी ऐसी जगह मिलते जहां हमें कोई ना देख सके। ग्रीन हिल्स आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। कहां थी रोजी तुम? अपनी आंखों में झांक के नहीं देखा, वहीं थी मैं। रोजी मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। कैसी मदद? खुलकर बताओ, क्या चाहते हो? दारा, जो अब ब्लैक ईगल बनकर मेरे सामने आया है। मैं समझी नहीं। तुम सब समझ गई हो रोजी, मुझे तुमसे यह नहीं पूछना कि तुम उसे कैसे जानती हो या उसके माल के आने जाने की खबर तुम्हें कैसे हो जाती है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कानून का मुजरिम और मेरे मां बाप का कातिल दारा कहां है। क्या ब्लैक ईगल ही? हाँ, यही है वो दरिंदा जिसे मैं 18 बरस से ढूंढ रहा हूं। बताओ रोजी, कहां है वो? मुझे अपने डैडी की कसम सनी, जो इस वक्त ब्लैक ईगल के कैद में है, मैं नहीं जानती वो इस वक्त कहां हो। तुम्हारे पापा ब्लैक ईगल की कैद में है? हाँ, तुमने पहली मुलाकात में मुझसे मेरे बारे में पूछा था। आज बताती हूँ कि मैं अब क्या हूँ और कल क्या थी। इस बुड्ढे को पहचानती हो? ये मेरे पापा हैं। सही पहचाना। कहाँ छोड़कर आई थी इसे? घर। लेकिन अब ये घर पे नहीं, हमारी कैद में है। इसकी जिंदगी चाहती हो तो हमारे इशारों पर चलना होगा। क्या चाहते हो तुम? आजकल यहाँ एक हीरो का व्यापारी आया हुआ है, उसके पास 5 करोड़ के हीरे हैं। जानती हो रोजी, वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना है। हम चाहते हैं कि उसके बॉडीगार्ड को थोड़ी देर के लिए उससे दूर रखो, बाकी काम हम खुद संभाल लेंगे। याद रखना, अगर कोई चलाकी की तो उसकी कीमत तुम्हें अपने बाप की मौत की सूरत में अदा करनी पड़ेगी, समझी? मुझे वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो मैं तुम्हें इसलिए पहुंचाती थी कि तुम मेरी मदद करके मेरे पापा को उनकी कैद से छुड़ा लोगे। कहां कैद कर रखा उन्होंने तुम्हारे पापा को? आओ मेरे साथ। ठहरो, पहले ये बताओ क्या ब्लैक ईगल इस वक्त वही होगा? नहीं, जब से ब्लैक ईगल को अपने गैंग में किसी पुलिस इन्फॉर्मर के आने का यकीन हुआ है, उसने अपना हेडक्वार्टर कहीं और बना लिया है। यहाँ आता ही नहीं, गैंग का कोई फर्द नहीं जानता कि वो कहाँ है। रोजी, हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। इस वक्त अड्डे पर जाकर छापा मारने से काम बिगड़ जाएगा, ब्लैक ईगल अलर्ट हो जाएगा। तुम्हें उस दिन तक उनकी गैंग में रहना होगा जब तक ब्लैक ईगल सामने नहीं आ जाता। जिस दिन वो सामने आए या उसके नए हेडक्वार्टर का पता चले, तुम मुझे फौरन इत्तला करो, मेरा वादा है तुमसे। वो दिन तुम्हारे पापा की कैद और ब्लैक ईगल की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। Welcome, father. Where you come from? Kaun hai aap? जॉन, जॉन एल्विस। फादर, मदर कहाँ है? चली गई। कहाँ? शहर, हमेशा के लिए। नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे
मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बाबू मदर नहीं है, वो हमें छोड़कर शहर चली गई है। चलो उनको चलकर ढूंढते हैं, चलो। बेवकूफ लड़की, उस मदर को ढूंढ रही है जो अब इसे कभी नहीं मिल सकती। बाबू मैं मदर को उधर देखकर अभी आती हूँ, तुम यही ठहरो। जंगली लड़की ठहरो, लिसन मी, रुक जाओ जंगली लड़की, सुनो। Excuse me, please go away. कोलंबो में है? हाँ यही है शहर में, मैं उनको ढूंढने आई हूँ। लेकिन देखो तो शहर के सिपाही मुझे और साबू को पकड़कर कैद करना चाहते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आई हूँ, साबू तो अभी तक उनकी हड्डियाँ तोड़ रहा है। क्या मतलब, साबू तुम्हारे साथ इधर होटल में आया है? नहीं बाहर है, लेकिन है घेरे में। ओह नो, उसे क्यों ऊपर बुला रही हो, हमें नीचे जाना पड़ेगा। क्यों? वरना वो तुम्हारे साबू को गोली मार देंगे। नहीं नहीं, चलो। क्यों क्यों? चलो चलो चलो। ओह माय गॉड, ओह यू एंड योर हस्बैंड आर अंडर अरेस्ट। क्या बोलता है? तुम और तुम्हारे हाथी को गिरफ्तार करते हैं। क्या कह दिया तुमको, कोई हाथ तो लगाए मेरे साबू को। अगर अगर तुम्हारे शहर को मिलकर बर्बाद ना कर दिया तो साबू और बेला नाम नहीं हमारा। मैं किसी से नहीं डरती, ये तो कोई बात ना हुई। ये लोग हमारे जंगल में आए तो हम इनको अपनी सराखों पे बिठाएं, घुमाएं फिराएं, और हम इधर इनके शहर में अपनी मदर को ढूंढने आए हैं तो ये हमको कैद करना चाहते हैं।
देखिए सर, ये गांव की सीधी साधी लड़की है, शहर के कानून नहीं जानती। बेला, तुम्हारी वजह से सारा शहर परेशान हो रहा है। मैंने क्या किया है? तुमने नहीं, तुम्हारे साबू ने बीच सड़क क्या के खड़ा हो गया, सारी ट्रैफिक रोक दी है। प्लीज इसे हटाओ यहाँ से। ये हुई ना बात, बात करने का भी तो कोई तरीका होता है। कितना टाइम पर बात कर रहे हो तुम्हारे गधे ने। गधे हो? ये तुमको गधा नजर आता है? साबू दिखा दो अपना आप। ठीक है, ले चलो, कौन मांगेगा जवाब? चलो फिर। चलो साधु आओ। कमान 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 मिस्टर एलिफेंट कमान। Excuse me, sir. ऐसे क्या देख रहे हो? जो सजा देनी अभी दे लो, इसलिए कि मुझे मदर को ढूंढने जाना है। तुमने पूरे दो घंटे शहर वालों को तंग किया, अब अगर सजा के तौर पर तुम्हें और तुम्हारे हाथी को। थाबू नाम है उसका, मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ, उस पैसे की सजा भी मुझे ही दे दो। तुम्हें मालूम है? मुझे सब मालूम है। एक बात बोलूं साहब, अगर बच्चों की माँ गुम हो जाए और बच्चे उसे ढूंढने शहर आए तो क्या इजाजत मांगे तुम्हारे शहर वालों से? वो तो ठीक है, लेकिन तुमने। मैं क्या, अगर मेरी जगह तुम भी होते और तुम्हारी मदर खो जाती या उसे तुमसे कोई छीन कर ले जाता तो क्या तुम उसे पागलों की तरह नहीं ढूंढते? ठीक है, अब तुम्हारे शहर में आ गए हैं, जो चाहे सुलूक करो, लेकिन एक बात बोल दूं, अगर तुमने मुझे मदर को ढूंढने नहीं दिया तो तुम सबकी माए गुम हो जाए। कुरैशी। यस सर। इस लड़की को छोड़ दो और किसी की ड्यूटी लगाओ कि इसकी मां को ढूंढने में इसकी मदद करें। ओके सर। जाओ अपनी मदर को ढूंढ। जाओ? तुम कितने अच्छे हो साहब, मेरी दुआ है तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने मुझे मदर को ढूंढने की इजाजत दे दी है, अब हमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। चलो साबू को लेकर मदर को ढूंढने। साबू को अभी यही रहने दो। क्यों भाई, मदर मिल जाएंगी तो फिर साबू को आकर ले जाएंगे। लेकिन मैं अकेली मदर को कैसे ढूंढूंगी? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। बेला कई दिनों से अपने घर नहीं आई, कहाँ है वो? तुम हाथी वाली लड़की की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, कहाँ है वो? वो तो मदर के पीछे गई है। कहाँ चली गई? बेला, बहुत ढूंढ लिया है, कोलंबो की कोई जगह नहीं छोड़ी। मदर अगर यहाँ होती तो अब तक मिल चुकी होती। मेरा ख्याल है वो वापस जंगल चली गई है। ठीक है, तो फिर मैं भी वापस जाती हूँ। हम जंगल आए तो तुम हमें वापस नहीं आने देती, और यहाँ कर इतनी जल्दी उदास हो गई। चलो मेरे साथ, यहाँ मैं तुम्हारा गाइड हूँ। चलो मैं तुम्हें सारे कोलंबो की सैर कराता हूँ। रहे संग संग हम सदा,
यूं ही अपना प्यार पले आकाश तले। हम फिर साथ ही शाम ढले आकाश ढले मेरा संगम है जैसे दो हंसों का जोड़ा। तेरा मेरा संगम है जैसे दो हंसों का जोड़ा। लाख सदियां आएंगी और भी प्यार ना होगा थोड़ा। इस ड्रेस में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। तुम चलोगे ना मेरे साथ जंगल वापस? नहीं बेला, डैडी को अभी पाकिस्तान फोन करना है ताकि वो यहाँ के मेरी और तुम्हारी शादी कर दे। तुम सच कह रहे हो? खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम? तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता बेला, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फादर, यहाँ इस रूप में जरूर ये कोई खतरनाक लोग हैं।
कहीं इन्होंने तो मदर को कैद नहीं कर रखा। ए, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या चीज छुपा रहे हो यहाँ? मदर कहाँ है? तुमने झूठ बोला था कि मदर शहर चली गई है, वो शहर में नहीं है। इसका जिंदा बचना अब हमारे लिए खतरनाक है। कैच हर! बेला, तू कहाँ चली गई थी? बेला, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी बाबा। इतनी घबराई हुई क्यों है? हमारे इलाके में बहुत बुरे लोग आ गए हैं, उन्होंने चर्च पर भी कब्जा कर लिया है और मदर को भी कैद कर लिया है, अब वो मुझे भी कैद करना चाहते हैं। मेरी तुम फिक्र ना करना बेला, और कहीं जाकर छुप जाओ। तुम्हारा क्या होगा बाबा? जाओ बेटी, जाकर छुप जाओ, अपना ख्याल रखो, जाओ जल्दी करो। कहाँ लड़की? कौन लड़की? जो भी यहाँ आई थी। मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं पता, छोड़ दो मुझे। और चल। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये सब होता है। कौन है ये? ये उस जंगली लड़की का बाप है बॉस, वो उस कॉटेज में घुसते ही गायब हो गई, ये उसका पता नहीं बताता। इससे इसकी जबान से नहीं, हंटर की जबान में पूछो, और उस वक्त तक किसे जंगल में भगाते रहो जब तक वो लड़की तरस खाकर सामने नहीं आ जाती। अपने पे तरस खा बुढ़े, अपनी जिंदगी से प्यार कर। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा बेला से प्यार है। नहीं आवाज दूंगा, नहीं। ऐसे नहीं बताएगा। तीर अगर तुम्हारे बाप का सीना चीर कर हम तक पहुंच सकता है तो चलाओ तीर। बाप को मरता हुआ नहीं देख सकती तो फेंक दो तीर कमान। नहीं बेटा, तीर चलाओ, मत परवाह करो, इन सबको मेरे साथ मार डालो वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। मेरा दो,
तुम चार होकर एक लड़की को काबू नहीं कर सके। मुझे वो जंगली लड़की चाहिए, उसे ढूंढो। वो लड़की नहीं, बारूद है। अच्छे साबू, पापा कहाँ है साबू? साबू बोलो ना, पापा कहाँ है? तुम्हारी आंखों में आंसू, वो ठीक तो है ना साबू? क्या हुआ? मुझे बाबा के पास ले चलो साबू, तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे बाबा के पास ले चलो। कहाँ जा रहे हो साबू? साबू ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो बताओ ना, किसकी कब्र है? तुम्हारे बाबा की बेला। मेरे पापा की? नहीं हाँ बेला, साबू ही तुम्हारे बाबा की लाश लेकर आया था, पता नहीं किसने मार दिया तुम्हारे बाबा को। बाबा, बाबा, साबू, ये क्या हो गया साबू? सभी बिछड़ते जा रहे हैं, हम अकेले रह गए साबू। उन जालिमों ने मदर को तो छीना ही था, बाबा को भी छीन लिया। मैं उनमें से किसी को चिंता नहीं करता। अरे अब जल्दी करो। रोजी कभी हमारे साथ भी बात कर लिया करो। स्वीट हार्ट, तुमसे क्या बात करूं? तुम तो जब देखो माल लेके जा रहे हो, माल लेकर आ रहे हो। तुम कहो तो नहीं जाता। बॉस को जानते हो, he will kill you. तेरे लिए मरना मंजूर है। हाँ, कहाँ जा रहे हो? सीगरिया के जंगल में। बॉस भी उधर है? हाँ। कोई खास जगह है? हमें जंगल तक पहुँचने का ऑर्डर मिला है, आगे दूसरे लोग लेने आएंगे। ओके। वेरी गुड रोजी, बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, बस हम आज ही शीघ्र के लिए रवाना हो जाएं। मैं कैसे जाऊंगी? जैसे मैं जाऊंगा, भेष बदलकर, टूरिस्ट बनकर, टूरिस्ट बस में। Thank you.
कुछ सफल है। हम तुम सब है मुसाफिर। नीली छतरी वाला खेले खेल निराला, हर खिलौने एक जैसे हैं, गोरा हो या काला। जिंदगी एक सफल है। हम तुम सब है मुसाफिर। कितने नादान जो गोरी रंगत पे इतराते हैं। इंसानों से प्यार करे जो याद वही रह जाते हैं, याद वही रह जाते हैं। कोई यहाँ दिल वाला, कोई यहाँ मिल वाला, कैसे इनमें फर्क सबका एक बनाने वाला। जिंदगी एक सफल है। हम तुम सब है मुसाफिर। नाम है यूं ही मिलके बिछड़ जाने का। एक जैसा अंजाम है जग में हम सब के अफसाने का, हम सब के अफसाने का। टूटेगी ये माला, जाएगा आने वाला, सदा उसी का नाम रहेगा जो सबका रखवाला। जिंदगी एक सफल है। हम तुम सब है मुसाफिर। नीली छतरी वाला खेले खेल निराला, सारे खिलौने एक जैसे हैं, गोरा हो या काला। आज मेरा दुश्मन नजर नहीं आ रहा है, कहीं उसे कक्की कीड़ी तो नहीं लड़ गई। देखो साबू, आज मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो साबू तुम रो रहे हो क्यों मार रहे हो? बेला किधर है? कहां जाना है? कहां लेके जा रहे हो मुझे? चलो फिर चलें। आओ आओ पता करें बेला का। आओ 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 और टोल भी पाओ गैंडे ने पुत्र की कनल पखे पे मारने। We'll be right back.
बेला, बेला तुम यहाँ? बैठो बैठो, तुम तो जख्मी हो, ये क्या हुआ? चिमी, वहाँ कुछ गलत लोग आ गए हैं, उन्होंने मेरे पापा को भी मार डाला और मदर का भी कुछ पता नहीं, वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन साबू मुझे बचाकर यहाँ ले आया है? अगर मैं जख्मी ना होती तो एक एक को चुन चुन कर मार देती। मैं भी पुलिस को बुला के लाता। नहीं जिमी, जब तक मदर का पता नहीं चल जाता मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती। और हाँ, तुम सलमान को भी कुछ मत बताना। क्यों नहीं बताऊंगा, मैं भी उसे लेके आता हूँ। जिमी, जिमी सुनो तो, साबू, साबू तुम जल्दी से घर जाओ और जाकर कुछ सामान ले आओ, और लेकिन देखना जरा होशियारी से जाओ। ये ब्लैक ईगल ही का डेन है। हाँ, कम चलो। इंस्पेक्टर, जहां स्मार्ट बनने की तथा मौत है। गद्दार, चेहरे पर लगाए हुए ये निशान तुम्हारी असलियत को कभी नहीं छुपा सकते। बहुत नखरे दिखाती है तू। रोजी के साथ यहां तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि वो ही पुलिस के इंफॉर्मर है। जंगल का कोना कोना छान मार, काट के रख दो सब कुछ। मुझे इंस्पेक्टर रोजी और वो जंगली लड़की जिंदा या मुर्दा चाहिए। उन्होंने चंद दिन हुए मेरे बाबा को जान से मार डाला। मेरी मदर को मुझसे छीनने वाले भी वही लोग हैं बड़े साहब। उनको मारने गई थी लेकिन आपको बचाकर यहां ले आई। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और जी लेंगे बड़े साहब। कमाता खेल खत्म हो गया। खेल खत्म नहीं हुआ, अब शुरू हुआ है। डोंट मूव, एक इशारा करूंगा
सब खत्म हो जाएगा। ले चलो इनको, इनकी तकदीर का फैसला बॉस करेगा। मदर, फीला, मदर, 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 फीला, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मदर, इन लोगों ने बाबा को भी मार डाला। नो, नो, मत रो फीला, कौन अपने प्यारों को इम्तहान में डालता है बेला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार जिमी, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? ओ नहीं यार, यही रास्ता है, पर थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यही छोड़ कर गया था, न जाने कहाँ चली गई। बेला, 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 ये देखो उसका तीर, कहीं दुश्मन की मौत बनकर चर्च की तरफ न चली गई हो। आओ मेरे साथ। चलो। कौन हो तुम? बेला तो नहीं आई यहाँ? नहीं, I mean no. यार जिमी, मुझे ये लोग खतरनाक लगे। समझ में नहीं आता कि बेला गई कहाँ, और तो और वो गधा साबू भी गायब है। ऐसा करो, तुम उधर तलाश करो, मैं इधर जाता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओए खोतिया साबू, साबू ओए! भाव बे ब्लैक ईगल, मुझे तुम्हारा बेचैनी से इंतजार है। कब आओगे? कब आओगे? Thank you.
पिंकी। सनी, सनी। पिंकी। सनी, मेरे भाई। मेरे भाई। मेरे भाई। पिंकी। मदर, मदर, आप ठीक कैसी थी? मुझे मेरा भाई मिल गया। कितनी अंधी थी मैं, अपने भाई से मिली भी और पहचान न सकी। लेकिन तुमसे मिलकर मेरे दिल ने पहले ही कह दिया था कि मेरा तुमसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, मेरी बहन। सनी, देख रहे हो इंस्पेक्टर? उस कातिल का चेहरा जिसे मैं मौत बन के ढूंढ रहा था। तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर। तुमको हमें पहचानने में गलती तो नहीं हुई? हम ब्लैक ईगल हैं। नहीं! तुम दारा हो मेरी मम्मी और पापा के कातिल। पिंकी, यही वो भेड़िया जिसने हमारे मम्मी और पापा को कत्ल किया है। गौर से देखो इसके हाथ, जिस पर तुम्हें हमारे मम्मी और पापा के खून के धब्बे नजर आएंगे। मुझे कसम है अपने पापा, मम्मी और बाबा के खून की, तुम्हें ऐसी भयानक मौत मारूंगी कि मौत भी कांप उठेगी। बात बनकर इस कैद खाने से निकलोगी कैसे? मौत और इंतकाम अपने रास्ते में खड़ी हर दीवार को उसी तरह तोड़ देते हैं तारा। किस तरह आज ये दीवार टूटेगी? जिंदगी उस वक्त तक थी ब्लैक ईगल जब तक तुम हमारे सामने नहीं आए थे। हमारे सामने ले जाओ इन सबको वहां जहां मौत इनका इंतजार कर रही है। कादर के बच्चों, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो अपनी पहचान करा दी। बहुत अच्छा किया जो एक भूली हुई अधूरी कहानी याद दिला दी, जो आज तुम सबके सांसों के साथ खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक झटका दूंगा और तुम सबके सब लाशें बनकर लटक जाओगे। रोजी, मौत को गले लिपटे देखकर बहुत परेशान हो। बाप को बचाने के लिए पुलिस वाले तैयारी कर ली थी। देखो देखो कितना बेबस है तुम्हारा बेचारा पुलिस वाला। ना ये अब तुम्हें बचा सकेगा, ना तुम्हारे बाप को, ना अपनी बहन को, ना इस नेक औरत को। मत हंसो,
जिंदगी और मौत के फैसले आसमानों पर होते हैं ब्लैक ईगल, मत भूलो। तुम अगर हकीर होकर मारना जानता है तो वो अजीम होकर बचाना जानता है। आ, तुम भी आवाज दे लो आसमानों पर बैठे हुए अपने गॉड को। अगर वो तुमको बचा सकता है तो बचा ले। गॉड, तुमको अपना होली क्राइस्ट का वास्ता, बेशक तुम हमारा जिंदगी ले लो, मगर इन बच्चों का जिंदगी का महाफिस बनकर इस शैतान को शिकस्त दे दो, शिकस्त दे दो।
आओ देखो, आओ देखो इंस्पेक्टर साहब, आओ सामने। काम काफी पकड़ा पिया, तुम उठे जाके इन्हों का इंतजाम करो, तो मैं हूं ही थोड़े मगर मगर ये अपनी कृपान लेके आना। Thank you.
डॉक्टर जैबरा इसकी मरम पट्टी ना करता तो ये तुम्हारा साबुन लगा गया था। डॉक्टर जैबरे ने इसको खाने के लिए दवाई के तौर पे दो खुराकें दी। उसने कहा कि एक खुराक तुमको नाश्ते से पहले देनी है गन्ने के रस के साथ और दूसरी खुराक रात को सोने के बाद गन्ने के रस के साथ। इसकी खुराकें कहाँ है? खुराकें इसकी वो है, वो देखो। आ गया जख्मों से चूर होगी मजबूर। मैंने इसकी मरम पट्टी पर पूरे 3000 रुपए लगाए। तू कटा खर्च की ताय दे दे, मेरी रकम उत्ते लाती हूँ ना। सरदार साहब, हांडी का मुंह खुला होते बिल्ले को शर्म आ जानी चाहिए। साबू तुम फिक्र ना करना, मैं पाकिस्तान जाते ही तुम्हें बुलवा लूंगी। तुम आओगे ना? आओगे बोलो, आओगे। अरे बंद ना कर अखियों का दरवाजा, मुझको अंदर आने दे ओ जानम। दादी